नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के संभल से है, जहां पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। कलेक्ट्रेट सभागार के सामने कड़ाके की ठंड में, बारिश में भीगती महिला को पहुंचाया अस्पताल, खाना दूध दवाई आदि दिलाई। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही महिला। आपको बता दें, संभल पुलिस की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसको देखने के बाद हर इंसान के दिल में पुलिस के लिए सम्मान बढ़ेगा। दरअसल एक मानसिक रूप से बीमार महिला, जो कि सालों से भजोई कलेक्ट्रेट सभागार के सामने भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी, सड़क के किनारे रहकर ही अपनी रात गुजार लिया करती थी। वहीं इस बार कड़ाके की ठंड के कारण इस महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। इस महिला पर किसी की नजर नहीं गई, पर आज तेज बारिश होने के कारण वह महिला भीग रही थी, पर लोगों के मानवता खत्म होती जा रही थी। लोग देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। जैसे ही एक व्यक्ति ने चंदौसी सीओ अशोक कुमार व भजोई इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह को इसकी सूचना दी, तत्काल वे मौके पहुंचे और महिला को भजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को खाना व दवाई आदि दी। डॉक्टरों ने बताया कि महिला ने हफ्तों से कुछ नहीं खाया। अगर महिला को समय रहते नहीं लाया गया होता तो महिला दुनिया को अलविदा कह सकती थी। फिलहाल पुलिस के इस सहारिणी योगदान के चलते एक बीमार महिला को समय पर इलाज और छत दोनों ही मिल गया। आप देख रहे हैं संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। सर, एक महिला को यहाँ पर लाया गया था, सर क्या पूरा मामला है? एक महिला जिसका नाम अज्ञात है और बताने पर पूछने पर उस नाम नहीं बता पा रही है और उससे बोला भी नहीं जा रहा है, उसको पुलिस लेकर के आई थी अपनी सुरक्षा में। जो मुझे ज्ञात हुआ है वो डीएम साहब के गेट पर लावारिस रूप में मिली है, जिसमें पुलिस ने बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य किया है कि उसको अपनी सुरक्षा में ला करके यहाँ भर्ती करवाया है, जिसका हम समुचित इलाज करते हुए, उसके खान पान का विशेष ध्यान रखते हुए, उसको जो बेहतर सुविधा इलाज के तौर पे या और भी रूप में मिल सकती होगी वो देने के बाद हम उसको अपने उच्च स्तर पे उसका रेफर कर देंगे, जहाँ भी उसका मानसिक रोग से रिलेटेड उसका संबंधित चिकित्सा हो सकती होगी। सर, क्या हालत थी उस महिला को लाया गया था, क्या लग रहा है? महिला खान पान ना मिलने की वजह से मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसको ठंड का प्रकोप भी है और थोड़ा उसकी हालत बड़ी दयनीय है। इस वजह से हम उसको जो हमारे उच्च स्तरीय अस्पताल होते हैं सरकारी स्तर पे, हम वहाँ पर उसको रेफर करते हैं। एक महिला को अभी अस्पताल में आपने भर्ती कराया, सर क्या पूरा मामला है? ये महिला कलेक्ट्रेट के गेट पर थी और वहाँ पे इसको देखा गया, कई लोगों से पूछा गया तो बता रहे थे लोग कि ये कई सालों से यहीं पे है और मांग के खाती है, फिर वहीं पे आके नंगे ही जमीन पे सो जाती है। सिर्फ इसके ऊपर एक चद्दर पड़ा हुआ था। पुलिस भजोई थाने की पुलिस तत्काल इसको अपने गाड़ी से लेकर के यहाँ पे CSC भजोई मिलाई है। यहाँ पे डॉक्टर द्वारा चेक किया गया और डॉक्टर द्वारा ये बताया गया है कि उचित प्रोसेस के अनुसार इसको संभल भेजा जा रहा है। उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर इसको जहाँ भेजना होगा, बरेली या आगरा, चूँकि ये अर्धविकसित टाइप की लग रही है, तो उसको इलाज के लिए उचित जगह पर भेजा जाएगा। सर, कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो आखिर कैसे आपको पता चली कि वो महिला वहाँ पर? ये सूचना मिली, ADM साहब ने बताया कि सर एक महिला है वहाँ पे, उसको तत्काल इलाज के लिए आप लोग हॉस्पिटल है, उस पर हम लोग तत्काल भजोई थाने की पुलिस हरकत में आई और उसको लेके हॉस्पिटल में ले आके एडमिट करा दी। सर, देखने में ऐसा लग रहा है कई हफ्तों से कुछ इसने खाया नहीं है। नहीं, ये पता लगा है कि ये मांग के खाती थी, या पे या कहीं भी चली जाए तो लोग उसको चाय पिलाते थे, कोई समोसा खिला दिया, कोई रोटी खिला दिया। तो अभी हमने भी पूछा इसे तो करी नहीं, भूख नहीं है, चाय हमने कहा चाय पियोगी, तो उसने कहा हाँ चाय पियेंगे, तो चाय इसको पिलवाई जा रही है। और बाकी ये कुछ मानसिक रूप से अर्धविकसित है, जिससे इसका इलाज होगा तभी ये क्लियर होगा कि ये सही है कि इसका दिमाग कुछ डिस्टर्ब है।
संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।